Yes, students, now I'm going to discuss about French Revolution. And in this chapter, I have discussed up to estate general meeting. ठीक है, हमने estate general meeting तक कर लिया था बच्चे. अब इसके बाद estate general की meeting के बाद next जो paragraph, ठीक है, इसमें हमने बताना है about the philosophers. Different philosophers were there and their ideology. Now you have to remember the name of the book, name of the philosopher and name और जो भी उसकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को आपने वन मार्क के अकॉर्डिंग बच्चे आपने बताना, ठीक है. हाँ जी, नंबर वन, सबसे पहले जॉन लॉक. जॉन लॉक ही रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड जॉन लॉक ने क्या कहा था, ही अपोज, यस, क्या किया अपोज उसने, डिवाइन, डिवाइन राइट्स भी कह सकते हो, प्रिविलेजेस या स्पेशल राइट्स given given to first and second estate. ठीक है, तो जॉन लॉक ही रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, दैट ही अपोज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स. थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट क्या कहती है, डिवाइन का मतलब होता है पावर्स गिवन टू किंग बाय गॉड. तो जॉन लॉक ने इसको अपोज किया, उसने ये कहा कि किंग और गॉड बराबर नहीं हो सकते हैं, गॉड ऊपर है, किंग उससे नीचे. और उस टाइम पीरियड में जॉन लॉक ने जो आइडियाज उस बुक में लिखे, उन आइडियाज को पढ़ के बहुत से लोगों ने लुई 16 के अगेंस्ट जो है वो रेवोल्यूशन प्लान की. सेकंड, स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू का आइडिया क्या था, अकॉर्डिंग टू हिम पावर्स शुड बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. आज हम अपनी कंट्री में इसी को फॉलो करते हैं. मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि कंट्री में उस टाइम पर सिर्फ लुई 16 के पास पावर थी, वही लॉ मेकर था, वही इंप्लीमेंट करता था, वही पनिश करता था. लेकिन इन्होंने ये कहा कि पावर जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए. सम पीपल शुड बी गिवन राइट टू मेक लॉस, सम शुड बी गिवन टू इम्प्लीमेंट एंड सम शुड बी गिवन टू पनिश दोज हु वायलेट लॉ. थर्ड आपने बताना है रूसो. रूसो ने जो बुक लिखी उसका नेम क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रूसो के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. रूसो ने ये कहा था कि अगर किसी कंट्री में लोगों के पास राइट ही नहीं है रूलर को चेंज करने के लिए, तो ऐसी कंट्री में रूलर का कोई फायदा नहीं है. गवर्नमेंट जो है दैट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ वन ईयर, फाइव ईयर, सिक्स ईयर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद गवर्नमेंट शुड बी चेंज एंड नेक्स्ट किसी और लोगों को या किसी और पार्टी को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जो है लोगों के लिए लॉ बने. ठीक है, तो ये हैं कुछ फिलोसफर्स और उनकी बुक्स के नेम. नेक्स्ट, फिर आपको याद होना चाहिए नेशनल असेंबली. जब मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल फेल हो गई और उसके बाद थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स टेनिस कोर्ट का मतलब क्या होता है कि पैलेस ऑफ वर्साय के सामने एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे इकट्ठे हुए एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली. और उन्होंने, उनकी डिमांड क्या थी, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. एंड नेशनल असेंबली के लीडर्स, मैं कुछ लिख नहीं रही, नेशनल असेंबली के लीडर्स मिराबियू एंड एबेसिए. वन मार क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मिराबियू एंड एबेसिए. नेम द पैम्फलेट रिटन बाय एबेसिए. What is the third estate? इसका मतलब क्या है, ये दोनों they belong to first and second estate, but they had a deep corner, यानी कि उनके लिए third estate के लोगों के लिए जिसे हम कहते हैं soft corner था, so that's why they supported these people. National Assembly एक तरफ अपना country के constitution के लिए demand कर रही थी, दूसरी तरफ country में हर तरफ problem जो है वो हो रही. Many people they started revolution in the cities as well as in the village. विलेज एरियाज में रिच लैंड लॉर्ड्स के जो स्टोर हाउस होते हैं उनको अटैक किया गया और सिटी में बेस्टाइल जो है 14 जुलाई 1789 को उसको स्टॉर्म कर दिया. किंग ने क्या किया फिर, 4 अगस्त 1789 को एक ऑर्डर पास किया जिसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एस्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया और फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया और नेशनल असेंबली जो है उसको लीगल रिकॉग्निशन दे दी और उनको ये काम दे दिया गया टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. Was he happy with that?
नो, उसने सिर्फ लोगों को पैसिफाई करने के लिए परमिशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद नेशनल असेंबली 1789 से 1791 तक कितना लंबा टाइम पीरियड लगा नेशनल असेंबली को कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एंड फाइनली कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791। एंड इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को पावर दी और उनको राइट टू वोट मिला कि वो किनको इलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स आगे किसको इलेक्ट कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। किंग जो नेशनल असेंबली बनी फर्स्ट टाइम जब कंट्री में इलेक्शंस हुए थे 1791 में, टोटल कितने मेंबर्स थे 745। एग्जीक्यूटिव कौन बना, किंग एंड नोबल्स, और जुडिशरी जजेस। और इस तरह से 1791 में मॉन्टेस्क्यू का जो प्लान था उसको इंप्लीमेंट किया था। लेकिन अब 1791 के बाद किंग वाज नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज नाउ हिज पावर्स वर डिवाइडेड। उसने क्या किया, ही मेट विद प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रशिया के किंग और ऑस्ट्रिया के किंग से मिला और अपनी ही कंट्री में सीक्रेट अटैक जो है उसको प्लान किया। लेकिन 1791 के बाद 1792 एक इम्पॉर्टेंट ईयर जिसमें 745 जो मेंबर्स थे या जो लेजिस्लेचर थी उनको जब किंग के इन आइडियाज का या इन कॉन्स्पिरेसीज का पता लगा तो असेंबली में इसकी प्रॉपर वोटिंग की गई और इस असेंबली ने ये एक ऑर्डर पास किया कि अटैक ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया फर्स्ट, बजाय कि किंग हमारी कंट्री पे प्लान करे, हम ही जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया पे जो है वो अटैक करते। एंड 1792 में फ्रांस जो है दैट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वॉर स्टेट, और फ्रांस की वॉर किससे हुई, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। नेशनल एंथम, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जो है वो गाया गया मार्सिले, जगह का नाम है मार्सिले, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्सिले, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट भी ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। इसको किसने बनाया, रॉगे डी आइज़ले, हु कंपोज नेशनल एंथम, रॉगे डी आइज़ले, ठीक है। इसके बाद एक क्लब बहुत फेमस हुआ उस टाइम पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोग जो थे वो ओपनली किंग के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो मिलते कहां पे थे, कौन सी बिल्डिंग में, जैकब, सेंट जैकब नाम था चर्च का, उसमें एक हॉल था, उस हॉल में जो लोग आपस में मिलते थे उनको कहा गया जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब के लीडर का नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और आपको पता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक ऐसा पर्सन था, जब एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी ना 600 जो लोग थे, 600 में से वो भी एक था। इवन नेशनल असेंबली में भी उसने सारी मीटिंग्स अटेंड की थी। एंड फाइनली जब जैकोबिन क्लब बना तो लोगों ने उसको मिलकर क्या बना दिया, लीडर। एंड हु इज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, अब अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हम कहते राइट अ नोट ऑन जैकोबिन क्लब, तो इसमें कौन कौन सी लाइंस। सबसे पहले आपने बताना है कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे इनका नेम कैसे पड़ा, दे डिराइव देयर नेम फ्रॉम द सेंट जैकब बिल्डिंग, चर्च का नेम था, सेंट का नेम था तो उनके नाम के ऊपर। सेकंड, ये अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते थे इसलिए इनको क्या कहा गया, सेंट क्यूलेट्स। क्यूलेट्स क्या होती है, जैसे ट्राउजर्स, लॉन्ग ट्राउजर्स। उस टाइम पीरियड में नोबल्स जो थे वो ब्रीचेस पहनते थे, ब्रीचेस। आपने कई बार ब्रिटेन का बैंड, बैंड की ड्रेस देखी होगी ना, चेक शर्ट होती, चेक काइंड ऑफ होता है, देखने से आपको लगेगा कि शायद उन्होंने जो नॉबल्स हैं उन्होंने स्कर्ट्स पहनी, लेकिन वो स्कर्ट्स की तरह नहीं होता, वो उनको ब्रीचेस कहा जाता है, ठीक है। तो सैनक्यूलर्स जो थे, यानी कि इनको जैकोबिन क्लब अपने आपको सैनक्यूलर्स कहते थे, इसका मतलब, सैनक्यूलर्स का मतलब होता है दोज हु आर विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं, लॉन्ग ट्राउजर पहनते हैं, स्ट्राइप ट्राउजर पहनते हैं, रेड कैप, साथ में ये क्या पहनते थे, रेड कैप। Why? Because they wanted to look different from the fashionable. उनको लगता था कि जो नॉबल्स हैं वो फैशनेबल हैं और वो अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते थे। ये हो गया सेकेंड। थर्ड, ये थे कौन, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे बच्चे कास्ट मत लिख देना, कई बच्चे कास्ट लिख देते हैं। लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मतलब मैनुअल काम करते थे,
डॉकयार्ड वर्कर्स। डॉकयार्ड क्या होते हैं? ओशंस या सी के आसपास जो पोर्ट सिटीज होती है ना, उनके आसपास के जो एरियाज हैं जहां पे शिप को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनको बोलते हैं डॉकयार्ड वर्कर्स। तो ये डॉकयार्ड वर्कर्स थे मेनली, और इसके अलावा पेस्ट्री मेकर जो बेकरीज में काम करते थे, फ्लावर शॉप्स में काम करते थे, और शूज मेंडर जो शूज बनाते थे, या सोसाइटी में ऐसा काम जिसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ये कॉमन, यानी कि कॉमन जो है वो मिडिल सेक्शन से भी नीचे लोअर सेक्शन से बिलोंग करते थे। दे वॉन्टेड राइट शुड बी गिवन टू देम। उनको ये था कि अगर वो टैक्स नहीं पे करते हैं, लेकिन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया था। सो एट दैट टाइम द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज पैसिव सिटीजन्स वॉज वेरी लार्ज। सो दैट्स वाई दीज कॉमन पीपल दे फॉर्म्ड अ ग्रुप, एंड दिस ग्रुप क्लब इज नोन एज जैकोबिन क्लब। सिर्फ मैन ही नहीं, वुमेन ने भी बहुत से क्लब बनाए उस टाइम पीरियड में। एक फेमस वुमेन ओलंपे डी गॉज, इन्होंने कहा था कि वुमेन के भी क्लब होने चाहिए, वुमेन को भी क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट। बट एट दैट टाइम राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू वुमेन। उसके बाद फोर्थ लाइन में मैक्सिमम रॉबेस्पियर कॉमन। कॉमन जो मैन होते हैं उनकी पावर का अंदाजा तो आपने बेस्टाइल फोर्ट से लगाया ही। दिस टाइम दे प्लान्ड अनदर अटैक। किंग के तीन पैलेस आपने याद रखने हैं, बेस्टाइल, वर्साय, टुलेरिस। दिस टाइम किंग जो था he lived in the with his family in the palace of Tuileries. Maximilien Robespierre ne Jacobin ke sath milkar Tuileries pe attack kiya. Aap ye dekho ki us time par mein king ki itni security tight hone ke baad bhi king aur uski family ko arrest kar liya gaya, and Maximilien Robespierre ne country ko, yani ki France ko, Paris ko pura control kar liya with the people militia. Militia ka matlab Jacobins ko soldiers, kind of soldiers ban gaye, aur मतलब पूरी की पूरी सिटी जो थी वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंडर थी। यस, तो ये देखो लोगों की कितनी पावर थी। एंड आफ्टर दैट इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन द कंट्री। कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए एंड वोटिंग राइट्स वर गिवन टू ऑल द मेन अबव द एज ऑफ 21। ये क्राइटेरिया उसने चेंज कर दिया। अब उसकी जो पार्लियामेंट, उसने जो पार्लियामेंट बनाई उस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? पार्लियामेंट ऑफ जैकोबिन भी कह सकते हो, पार्लियामेंट ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, नाउ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उन्होंने क्या किया, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को चेंज करके कंट्री में क्या एस्टेब्लिश कर दी, कौन सी गवर्नमेंट? रिपब्लिक। कई बार वन मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक? मोनार्की में क्या होता है, रूलर इज हेरिडिटरी इलेक्टेड, सेम फैमिली मेंबर्स रूल द कंट्री वन बाय वन। बट रिपब्लिक इज दैट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्टेड द हेड ऑफ द कंट्री फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड। यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को टेम्पररी इलेक्ट किया था, लेकिन पावर जब कॉमन मैन के हाथ में आती है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने रॉबेस्पियर के साथ देखा। उसने क्या किया, इन 1793 He became the Republican head of the country. लेकिन उसने 1793 से लेकर 1794 उस पर्टिकुलर वन ईयर में अपनी पॉलिसीज को इतना अनजस्ट या हार्शली इंप्लीमेंट किया दैट हिज टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ टेरर। क्यों? बिकॉज उसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी पर्सन उसको, उसकी पार्टी को या उसकी आइडियोलॉजी को अपोज करता था, देवर गिवन यस गिलोटिन। क्या थी गिलोटिन? पर्सन वॉज बिहेडेड, यानी कि पर्सन जो था उसके हाथ पीछे बांधकर एक पर्टिकुलर ही ऐसी जगह होती होगी लाइक यहां पे उसका सिर रखा जाता था, बिठा दिया जाता था, हाथ बांधे जाते थे, ऊपर इसके ऊपर एक ब्लेड स्टैंड होता होगा और एक पर्सन जो उसको पुल करता होगा, तो ऊपर से ब्लेड नेक जो है उस पर कटता होगा। तो दैट वाज अ डिवाइस, इसको क्या बोलते थे, गिलोटिन। इसको बना राइन, राइन रूल, रूल बच्चे रूल मतलब इसका मतलब है रूल, रूल ऑफ टेरर कह लो, राइन ऑफ टेरर। एंड दिस डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलोटिन, उसी के नाम पे। अब हमने पढ़ना है राइन ऑफ टेरर। लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हम पढ़ते हैं बाय द टाइम पीरियड ऑफ रॉबेस्पियर इज रिगार्डेड एज राइन ऑफ टेरर, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखो
कि उसकी नेगेटिव पॉलिसीज बतानी है। नंबर वन ये यही हो गया, नंबर वन गिलोटिन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सेकंड, ही फिक्स द प्राइसेस एंड वेजेस, उसने क्या किया कंट्री में वेजेस एंड प्राइसेस को फिक्स कर दिया, मैक्सिमम लिमिट लगा दी। अब कई बार कुछ लोग इसे सम वर हैप्पी एंड सम वर नॉट, जो खुश थे उनको लग रहा था कि अब उनको प्रॉपर वेजेस मिलेंगे और जो भी वो बना रहे हैं चीजें बना रहे हैं उनको मार्केट में प्रॉपर प्राइस पे बेच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो फैक्ट्री में ओनर होते होंगे, वो अपनी फैक्ट्री में लेबर्स को कम वेज देना चाहते हैं। अगर हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनको लॉस हुआ एंड दे स्टार्टेड हेटिंग मैक्सिमम एंड प्रॉफिट। प्राइजेस की बात करें तो कई बार क्या होता है, सपोज मैंने कोई प्रोडक्शन, मैंने कोई चेयर बनाई है, मैंने कुछ टेबल बनाया, गवर्नमेंट कहती है कि आपने उसको 500 पे बेचना, लेकिन मैं तो उसको 900 पे बेचना चाहती हूँ। लॉस किसको हुआ, मुझे हुआ। तो एट दैट टाइम मेनी पीपल दे फेस लॉस एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड हेटिंग रॉ बिजनेस। सेकंड ये हो गया। थर्ड, ब्रेड बैन। अब सबसे पहले चलो मैं इसको ना आपको एट प्रेजेंट राइस का एग्जांपल देती हूँ। देखा जाए राइस ना दो तरह के हैं, एक होते बासमती राइस, एक होते मोटे चावल। बासमती राइस हम लोग खाते हैं और मोटे चावल आप कहते हैं कि जो लोअर सेक्शन है वो खाते हैं। अगर आप खाओगे भी ना तो आपको वो टेस्टी नहीं लगेगी। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि बासमती राइस को ही बैन कर दो और आपको वही खाने पड़े तो यू विल नॉट लाइक एंड आपको लगेगा कि ये क्या है, गवर्नमेंट की नेगेटिव पॉलिसीज। तो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रेड दो तरह की होती थी, व्हाइट। हम लोग आजकल तो स्टेटस सिंबल है, लोग स्पेशल ब्राउन ब्रेड खाते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में ब्राउन ब्रेड जो थी दैट वॉज नॉट लाइक बाय द अपर क्लास। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जो थी वो ब्राउन ब्रेड नहीं खाते थे, व्हाइट ब्रेड खाते। लेकिन मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने ब्रेड में भी इक्वालिटी लाने के लिए क्या कर दिया, व्हाइट ब्रेड को बैन कर दिया और ब्राउन ब्रेड को कंपल्सरी कर दिया। और उसने इसको कहा इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड का मतलब क्या होता है कि लोगों में इक्वालिटी लाने के लिए व्हाइट ब्रेड को टोटली बैन कर दी। अब जो लोग व्हाइट ब्रेड खाते होंगे उनको ब्राउन ब्रेड टेस्टी नहीं लगती होगी, तो उसके लिए पॉलिसीज क्या थी, नेगेटिव। ठीक है, एक और उसने क्या किया, प्रोनाउंसिएशन के कुछ वर्ड्स होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, वहां पे सर या मैडम जैसे वर्ड यूज नहीं करते, बॉस कहते हैं, कोई भी है ना, चाहे आपका जूनियर है सीनियर है जो भी। लेकिन उस टाइम पीरियड में थर्ड स्टेट के लोग जब किसी भी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को मिलते थे तो उनके नेम के आगे सर और मैडम और उनके सामने झुकते थे। इवन आपने देखा होगा इंडिया में भी बहुत से हमारे इंडियन जो मतलब लीडर्स भी थे, ब्रिटिशर्स के सामने अपना सिर झुका के हैट ऐसे नीचे करते। लेकिन आपको पता है जब हमारी कंट्री में कल्चर शुरू हुआ ना, तो हमारी कंट्री में तो लोग टर्बन पहनते हैं और टर्बन का उतारना इस काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। हाँ, हम अपनी सोचते हैं कि टर्बन जो है हमारी क्या है, एक रिस्पेक्ट है। हम अपनी टर्बन किसी के सामने झुका नहीं सकते। तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ब्रिटिशर्स दे एक्सपेक्टेड दैट इंडियन पीपल्स शुड बेंड, उनके सामने झुके और अपनी टर्बन उनके सामने निकाल। जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते, अपनी हैट झुकाते हैं, ठीक है, दैट इज देयर ग्रीटिंग स्टाइल। इसने क्या किया मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने, थर्ड स्टेट के लोग जब भी फर्स्ट और सेकंड को मिलेंगे ना वो झुकेंगे और ना ही उनके नेम के आगे सर और मैडम लगाएंगे। तो अल्टीमेटली अब ये कह लो कि उसने थर्ड स्टेट को तो खुश कर दिया, बट पीपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जो पहले नोबल्स होते होंगे या रिच सेक्शन थे, दे बिकेम एंग्री। ये तो मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल बताया है। पगड़ी संभाल, वो तो इंडिया की बताई है ना मैंने, इंडिया का सिस्टम। जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर एक कंट्री का ग्रीटिंग स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है। और नेगेटिव पॉलिसीज में, और उसने क्या किया, चर्चेस वर शट डाउन। अब ये तो हो गया ना रिलीजियस फ्रीडम, जो लोग चर्च जाना चाहते हैं उसने क्या किया, चर्च की जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी उनको बंद कर दिया एंड दे वर कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री। मिलिट्री स्टॉक का मतलब होता है जहां पे आर्म एमिनेशन गन्स वेपन स्टोर किए जाएंगे, एंड चर्च की प्रॉपर्टी ले ली गई। जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे जिनके पास अनलिमिटेड प्रॉपर्टी थी, नाउ देयर प्रॉपर्टी वॉज डिक्लेयर्ड एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ही इंप्लीमेंटेड हिज पॉलिसीज वेरी हार्शली।